चलिए एक्सेल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे अपन हमने पिछली क्लास में पिछले बनाना बताया था आपको, इस एक बार और बताते थे। आपने इंसर्ट टैब में कहाँ तक हो गया था? टेबल जीरो तक पढ़ा है आपने, ये वाले नहीं पढ़े ऑप्शन? ठीक है, वो बाद में बता देंगे, अभी हम आपको फीस स्लिप बनाना बता दें। यहाँ से अपन सीट ओपन कर लेते हैं अपनी, जो अपन ने सेव की थी 2 से 3 एक्सेल के नाम से। आप इस तरह से फीस स्लिप बना सकते हैं। इसके लिए हम एक और टैब ओपन कर लेते हैं, आपको एक बार और बता देते हैं। यहाँ से सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे कि इसमें पहले आपका मतलब सेंटर का सर्टिफिकेट नंबर लिखा है तो अपन वो लिखेंगे। तो उसके लिए इतनी जगह सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आता है मर्ज एंड सेंटर, यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। यहाँ पे अपन जो भी आपकी संस्था होगी आप उसका सर्टिफिकेट नंबर लिखेंगे। आपकी स्लिप पर लिखा हुआ आप देख लेना अपने सेंटर का। इस तरह से फिर इसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे नेम लिखेंगे। तो इतनी जगह आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे अपन सेंटर का नेम लिखेंगे। यहाँ पे इसको कर देंगे मर्ज एंड सेंटर। इसके बाद आप इंसर्ट टैब पर जाएंगे, यहाँ से आप जाएंगे टेक्स्ट ग्रुप में, यहाँ से आप जाएंगे बाय डाट लेंगे। बाय डाट लेना है तो आप बाय डाट लिख सकते हैं, नॉर्मली लिखना है तो नॉर्मली लिख सकते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर लिख लेते हैं आईसीआईसी। ठीक है, अब ये टेक्स्ट का जो साइज है बहुत बड़ा है, छोटा करना है तो आप होम टैब पर जाएंगे, यहाँ पे जाकर आप यहाँ से डिक्रीज फॉन्ट साइज कर देंगे, फॉन्ट साइज छोटा हो जाएगा। अब आप इसको उठाकर रख सकते हैं, लेकिन अगर ये बॉक्स का साइज बड़ा है और यहाँ पे जो अपन ने मर्ज किया था ये साइज कम है तो फिर वो नहीं जाएगा। इतनी इतना करने के बाद अब आप क्या करेंगे, स्टूडेंट का कोर्स नेम लिखेंगे। तो इतना इतनी रो आप सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप कर लेंगे मर्ज एंड सेंटर। यहाँ पे अपन लिखेंगे स्टूडेंट का, जो भी स्टूडेंट कोर्स कर रहा है अपने यहाँ से, वो कोर्स कोर्स नेम, जैसे कि कोई स्टूडेंट कर रहा है DCA तो आपने लिख दिया DCA। ठीक है, इसके बाद उसका मीडियम कौन सा है, हिंदी है तो आप हिंदी मीडियम लिख देंगे, इंग्लिश है तो आप इंग्लिश मीडियम इंग्लिश लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर अपन लिख देते हैं DCA किसी यूनिवर्सिटी से कर रहा है, MCU वहाँ का लाल यूनिवर्सिटी से। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर इतनी जगह में क्या करेंगे, इतनी जगह सेलेक्ट करेंगे और इसको मर्ज कर देंगे। यहाँ पे हम हमारे सेंटर का लोगो लगाएंगे और इसके बाद इतनी जगह हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे और इसको हम यहाँ से मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। यहाँ पे हम पिक्चर लगाएंगे, स्टूडेंट की फोटो लगाएंगे। तो इस तरह से कर लेंगे, पहले हम इसको कॉल ऑर्डर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको लोगो लगाना है, यहाँ पर पिक्चर लगाना, इतना आया। अब इसके बाद आपको क्या करना है, स्टूडेंट का नेम लिखना है। तो इसके लिए आप यहाँ से 3 कॉलम सेलेक्ट करें, 3 कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से कर देंगे मर्ज एंड सेंटर। यहाँ हमने लिख दिया है नेम। इसके बाद यहाँ पे नीचे आप लिखेंगे स्टूडेंट का नेम, यहाँ पे ओनली नेम लिखना है, यहाँ पे लिखना है आपको स्टूडेंट का नेम, जैसे कि स्टूडेंट का नेम है अजय शर्मा। ठीक है, इस तरह से। फिर इसके बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, स्टूडेंट का फादर नेम लिखेंगे। तो फादर नेम थोड़ा सा बड़ा होता है तो इसलिए हम यहाँ से 4 कॉलम सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको कर देंगे मर्ज एंड सेंटर। यहाँ पे हम लिखेंगे एफ नेम, या फिर आप जैसा भी लिखना चाहते हैं, जो भी नाम होगा फादर का, जैसे कि मिस्टर ठीक है। यहाँ पे आप इतना करने के बाद नीचे ये वाला जो छूट रहा है यहाँ पे आप क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और इसको भी आप मर्ज एंड सेंटर कर लेंगे। यहाँ पे आप लिखेंगे स्टूडेंट का मोबाइल नंबर। ठीक है, अगर एक और है तो आप यहाँ पे एक से ज्यादा भी लिख सकते हैं मोबाइल नंबर। ठीक है, इस तरह से इतना आया। अब इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 कॉलम एक्स्ट्रा है, तो इसमें अपन लिख देंगे स्टूडेंट की क्लास, जैसे कि वो डीसी, यहाँ पे अपन ने क्या लिख दिया है, DCA लिख दिया है। अब यहाँ इसके अलावा भी वो अदर कोई कोर्स कर रहा होगा या उसने कोई सा किया होगा, जैसे कि DCA 12th की बात करते हैं तो अपन यहाँ पर लिख देते हैं क्लास। एंटर करेंगे नीचे आ जाएगा आपका ये, और यहाँ पे आप लिख देंगे जो भी उन्होंने किया होगा, जैसे कि उन्होंने 12th किया है,
किस सब्जेक्ट से की है, बायो से, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 12th बायो इस तरह से। अगर आपने यहाँ पर पीजीडी से जो भी जिस भी क्लास में होगा स्टूडेंट अदर में, वो आप यहाँ पे लिख देंगे। फिर इसके बाद इतनी जगह आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे, आप सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से कर देंगे मर्जेंट सेंटर। यहाँ पे आप लिखेंगे नरेशन, यहाँ पे आप नोट दे देंगे कि स्टूडेंट को किस तरह से फीस जमा करनी है पर मंथ, और जो भी आपके टर्म एंड कंडीशन है वो आप यहाँ पे दे देंगे। आप चाहते हैं ऊपर से आना चाहिए तो उसके लिए आप इस पे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आपका ऊपर से आने लगेगा। इसके बाद यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर वगैरह, अकाउंट डिटेल्स देना है, जैसे कि कोई अगर ऑनलाइन पेमेंट करना चाहे तो वो यहाँ से कर सकता है। अपन थोड़ा सा ये इतना कर लेते हैं मैच, ठीक है। आप यहाँ पे अकाउंट डिटेल दे देंगे, इतनी जगह सेलेक्ट करेंगे, जैसे कि आपका SBI में अकाउंट है, कोई ऑनलाइन पेमेंट करना चाहता है डायरेक्ट आपके अकाउंट में देना चाहता है तो आप यहाँ पे अकाउंट नंबर लिख देंगे। अब आप देख रहे हैं कि जैसे हमने एंटर किया अकाउंट नंबर पूरा नहीं दिख रहा, और अपन ने इसको मर्ज इसीलिए किया था, मर्ज किया था। आप यहाँ से कर दोगे इसको रैप टैक्स। रैप टैक्स से क्या होता है कि एक ही में एडजस्ट हो जाता है। इसी तरह से आपका एक और है अकाउंट नंबर, तो आप वो भी यहाँ पे लिख देंगे। हम इसी को कॉपी पेस्ट कर दे रहे हैं, अगर आपका एक्सपीरियंस से ज्यादा है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। एक और हम यहाँ पे मर्ज करेंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे एड्रेस, ठीक है। एंटर कर दो, ठीक है। यहाँ पे जाकर आप इसको मर्जेंट सेंटर, सॉरी रैप टैक्स कर सकते हैं। इसके बाद ये तो नॉर्मली ये बेसिक सा था, ठीक है। आपको मेनली यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे आप लिखेंगे फी डेट, जिस भी डेट को स्टूडेंट फीस जमा करेगा यहाँ पे आप लिखेंगे डेट, और यहाँ पे आप लिखेंगे फीस, जो भी स्टूडेंट फीस जमा करेगा यहाँ पर आपको लिखना है फीस, ठीक है। यहाँ पे अपन डेट लिखते जाएंगे जब जब स्टूडेंट जमा करता जाएगा, और यहाँ पे अपन फीस लिखते जाएंगे। अगर आपको इसका कलर वगैरह चेंज करना है तो आप सेलेक्ट करेंगे अपनी जगह, और जो भी आपको इसका कलर देना है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। आ जाएगा इतना। आपको यहाँ पे पूरा बोल्ड करना है तो आप यहाँ से बोल्ड पर क्लिक कर दीजिए तो पूरी आपकी सीट बोल्ड हो जाएगी। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे पिक्चर लगानी है, सॉरी लोगो लगाना है। तो लोगो लगाने के लिए अपन इंसर्ट पर जाएंगे, इलस्ट्रेशन ग्रुप में। अगर आपको ऑफलाइन लेना है तो आप यहाँ से पिक्चर से ले सकते हैं, अगर आपको ऑनलाइन लेना है तो ऑनलाइन पिक्चर से ले सकते हैं। अगर आपके सिस्टम में सेव है तो अब आप जाएंगे पिक्चर पे, और आप यहाँ से जाएंगे आपकी डी ड्राइव में, ई ड्राइव में, जिस भी ड्राइव में लोगो है उसमें। जैसे कि ये मिल गया, लोगो पर हम क्लिक करेंगे और इंसर्ट कर देंगे। आ गया, आप इसको छोटा कर लेंगे और यहाँ पर इसको एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अपन को फोटो लगाना है, तो फोटो भी आपका किसका लगाना है, स्टूडेंट का लगाना है आपको। तो इनसाइट पर जाएंगे आप, यहाँ से इलस्ट्रेशन ग्रुप में जाएंगे, पिक्चर्स में जाएंगे, जो भी आपको फोटो लगाना है वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। अपन अभी बैक जा रहे हैं, और यहाँ से हम जा रहे हैं एफ ड्राइव, यहाँ पे हमारे पास वॉलपेपर का फोल्डर है। आपको डी ड्राइव में या फिर ई ड्राइव में मिल जाएगा वॉलपेपर का फोल्डर। आप यहाँ से जो भी फोटो लगाना चाहते हैं वो फोटो आप सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे, ठीक है। फोटो आ जाएगा और आप इसको इस तरह से छोटा कर लेंगे, जैसे अभी अपन ने, ठीक है। अभी जैसे अपन ने लोगो किया था उसी तरह से अगर आपको क्रॉप वगैरह करना है तो वो भी आप कर लेंगे। अभी तो हम कुछ भी फोटो लगा देते हैं, लेकिन आप यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटो लगाएंगे, जब भी आप यहाँ पे स्टूडेंट का फोटो लगाएंगे तो पासपोर्ट साइज फोटो लगाएंगे। इसके बाद यहाँ पर आप एक जगह इतनी जगह और मर्ज कर लेंगे, यहाँ पर आप कंप्यूटर का, सॉरी स्टूडेंट का कंप्यूटर नंबर वगैरह आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या लिखना है, डेट। उससे पहले हम यहाँ पर तीन कॉलम ले रहे हैं, इसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा और ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम तीन कॉलम ले रहे हैं, ठीक है। इन तीनों को हम मर्ज एंड सेंटर नहीं कर रहे हैं, मर्ज एंड सेंटर के ड्रॉप डाउन मेनू पर हम जा रहे हैं, यहाँ से हम इसको कर रहे हैं मर्ज एक्रोस, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे स्टूडेंट की टोटल फीस, ठीक है। तो स्टूडेंट की जो टोटल फीस है वो कितनी है, मतलब इस कोर्स की टोटल फीस है DCA की 12,000, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 12,000, ठीक है। अब इसके बाद हमें ये स्टूडेंट हर मंथ फीस जमा करेगा, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं टोटल डिपॉजिट अमाउंट। हर मंथ वो जितनी भी जमा करेगा, हम चाहते हैं कि यहाँ पर उसका टोटल डिपॉजिट अमाउंट आ जाना चाहिए, जितनी भी उसने फीस जमा की है। और यहाँ पे हम लिखेंगे रिमेनिंग अमाउंट,